सेव करते हैं एक बार और, अबाउट के पेज पे क्लिक किया, देखिए ये पे यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। तो ये ब्लॉक आ गया हमारा। देखिए अभी ये जो इसमें हमने फ्लोटिंग वाली फंक्शनलिटी अभी यूज़ नहीं की है, तो उसके लिए हमें या तो एक क्लास चाहिए या तो उसकी आईडी, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ब्लॉक की आईडी यहाँ पर है, इस ब्लॉक को हम फ्लोटिंग की सेटिंग में डाल देते हैं। वो हमारा था यहाँ पर इस पेज पे, इस पेज पे आप हैश करके, क्योंकि आईडी है तो ये यूज़ करेंगे। अगर क्लास यूज़ करते हैं तो हमें डॉट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेट हो गया, इससे ऊपर नहीं जा रहा है ये। देखिए इसको विदाउट लॉगिन करके देखते हैं। ये देखिए आइकन आ गया, ये देखिए यहीं पर ये सेट हो गया, इससे ऊपर नहीं जा रहा। इसकी आप पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं, आपको जहाँ भी अपनी वेबसाइट पे या अपने प्रोजेक्ट पे सेट करना हो, आप इसको लेफ़्ट में रखें, राइट में रखें, फुटर में रखें, कहीं भी रखें, ये स्क्रॉलिंग पे इसकी पोजीशनिंग सेट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था कि हम अपने ड्रूपल के वेबसाइट्स पे फ्लोटिंग ब्लॉक को कैसे यूज़ करें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।